आमिर खान इस घड़ी उस पल को कोस रहे होंगे जिस पल उन्होंने असहिष्णुता को लेकर बयान दिया था। आमिर सोच रहे होंगे कि यार तू तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, फिर इतना घटिया बयान आखिर तूने कैसे दे दिया। ओ अच्छा 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 अच्छा, दंगल के मंगल के चक्कर में ये सब गड़बड़ छाला हो गया। इसीलिए कहते हैं कि किसी को कॉपी करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इस एसआरके का फंडा अपनाने के चक्कर में कहीं दंगल रफू चक्कर ना हो जाए। शायद ये सब बातें होंगी जो आमिर के दिमाग में इस वक्त खनचक्कर की तरह घूम रही होंगी। सोशल मीडिया पर भी आमिर की खूब आलोचना हो रही है। आमिर के इस प्रचार के घटिया हथकंडे को लेकर आमिर का खूब मजाक भी उड़ाया जा रहा है। अवार्ड वापसी की तर्ज पर ट्विटर पर हैशटैग स्नैपडील ऐप वापसी और हैशटैग बूट आउट स्नैपडील टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। आपको बता दें कि आमिर खान स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वहीं अमूल का ऐड करने वाले आमिर को लेकर मजाक किया जा रहा है कि जाना है तो जाओ लेकिन खा पी के जाना। वहीं शिवसेना ने आमिर खान पर निशाना साधते उन्हें इडियट रणछोड़ दास बताया है। असहिष्णुता पर देश छोड़ने वाले बयान पर आमिर को बॉलीवुड के लोग ही खूब लताड़ लगा रहे हैं। उनकी अनुपम खेर, रवीना टंडन, परेश रावल, दिग्मांशु धूलिया, रामगोपाल वर्मा समेत और भी कई बॉलीवुड हस्तियों ने आमिर को आड़े हाथों लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि आमिर की इस हरकत पर किसने क्या कहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी आमिर पर तीखा हमला बोलते हुए ट्वीट किया। मेरी माने तो वे सभी लोग जो नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसे लोग देश को शर्मिंदा करने की बजाय खुलकर क्यों नहीं कहते कि वो मोदी के प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं हैं। दुखद है कि पॉलिटिक्स के चलते वे देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। कोई ना कोई मुद्दा हमेशा रहेगा और कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर उठाता रहेगा, लेकिन उस पर बहस करना पागलपन है। यह डर उस समय कहाँ था जब मुंबई में हमले हुए या 26/11 के लिए सिक्योरिटी तोड़ी गई। वहीं अनुपम खेर ने ट्वीट कर आमिर से पूछा, प्रिया आमिर खान, क्या आपने कभी किरण से ये पूछा है कि वो किस देश जाना चाहती हैं? क्या आपने उन्हें बताया किस देश ने आपको आमिर खान बनाया है? तो निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने आमिर खान के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, अगर आमिर, शाहरुख और सलमान जो कि मुस्लिम हैं और हिंदू देश भारत के सबसे बड़े सितारे हो सकते हैं, तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि असहिष्णुता आखिर कहां है। वहीं बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद परेश रावल ने कहा, आमिर योद्धा हैं और सच्चा देशभक्त मुश्किल में मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाता है। निर्देशक अनुभव सिन्हा ने भी आमिर के बयान पर चिंता जताते हुए कहा, ऐसे बयान सुनकर लगता है कि देश का एक प्रसिद्ध आदमी ऐसा कह रहा है। शाहरुख और आमिर की तरफ से ऐसा बयान क्यों आता है? निर्माता निर्देशक अशोक पंडित का सुर भी आमिर के विरोध में ही दिखाई दिया। उन्होंने कहा, आमिर को अलग लगता है कि ये देश असहिष्णु है तो वो यहाँ से जा सकते हैं। आमिर और उनकी पत्नी ने जिस तरह का बयान दिया है वो बताएं कि आखिर उन्हें परेशानी क्या है। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आमिर ने अपने इस बयान से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। अगर इस देश में असहिष्णुता होती तो वो क्या उस हाल से बाहर जा पाते। अभिनेता रजा मुराद ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि आपको डर लग रहा है तो ये भी एक असहिष्णुता ही है। आमिर खान ये बताएं कि उन्हें तकलीफ क्या है। तो वहीं फिल्म मेकर फराह खान ने ट्वीट कर लिखा, पता नहीं देश में क्या चल रहा है, लेकिन मेरी निजी राय यही है कि मेरा देश दुनिया में सबसे ज्यादा सहिष्णु है। हम सिर्फ कुछ लोगों से ही देश का आंकलन नहीं कर सकते। अपने ट्वीट को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में रहने वाले
फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। ऋषि कपूर ने लिखा है कि मिस्टर एंड मिसेस आमिर खान, जब चीजें गलत हो रही होती हैं, जब सिस्टम में सुधार की जरूरत होती है, उसे सही कीजिए, भागिए मत, यही बहादुरी है।